गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेक्चर 4 ऑफ चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द व्हाट इज़ एन एटम, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. दिस पोर्शन वी हैव कवर्ड. ओके, एटम्स क्या होते हैं? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. और मॉलिक्यूल्स क्या होते थे? दे आर ग्रुप ऑफ एटम्स. ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप ऑफ एटम. फिर हमने दो टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, मॉलिक्यूल ऑफ ए एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड. ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ ए एलिमेंट मतलब लाइक H2 इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट मतलब इसमें H2 में क्या है, दो हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, सेम टाइप के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के दो एटम. Cl2 क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. सो दे बोथ आर मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, फिर एक हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड. मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड में क्या होता था कि जो मॉलिक्यूल है उसमें अलग अलग एलिमेंट्स के एटम होते थे. ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता था, इसमें दो अलग अलग एटम्स होते थे लाइक H2O. सो इसमें देखो क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है. CO2 इसमें कार्बन का एक, ऑक्सीजन का दो. तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मतलब सेम टाइप के एटम से बना हुआ है ये. C2, Cl2, N2, O2 ये सब क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है. P4 ठीक है, फॉस्फोरस जो है P4 के फॉर्म में रहता है, इट इज़ टेट्रावेलेंट. सो टेट्रा एटॉमिक हमने पढ़ा था, एटॉमिसिटी भी पढ़ी थी. हाइड्रोजन जो है डायटॉमिक है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है डायटॉमिक है, फॉस्फोरस जो है वो टेट्रा एटॉमिक है, ऐसा पढ़ा था हमने, है ना. फिर हमने पढ़ा मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड जिसमें अलग अलग एटम्स कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे थे. सो इज़ दिस क्लियर, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड. ठीक है, इतना क्लियर हो गया था. एटॉमिक मास हमने पढ़ा था, आपको मैंने कहा था कि एटॉमिक मास याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, उसमें हम एटॉमिक मास का यूज़ करके हम मॉलिक्यूल का मास जो है कैलकुलेट करेंगे. तो आपको एटॉमिक मास उसके लिए याद रहना बहुत ज़रूरी. ओके, सो इज़ दिस क्लियर, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, इतना हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूला क्या होता है. ठीक, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? अ केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल. कोई भी जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो मॉलिक्यूल का कंपोजिशन बताता है कि भाई ये मॉलिक्यूल बना कैसे है. ठीक है, जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल बोला H2, तो ये H2 मॉलिक्यूल बना कैसे है? इसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स जो हैं आपस में कंबाइन हुए और क्या बना लिए, हाइड्रोजन गैस बना लिए. वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? H2O, या इसको हम केमिकल फार्मूला भी बोलते हैं. ठीक है, सो केमिकल फार्मूला इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक, केमिकल फार्मूला को ही हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बोलते हैं. और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये केमिकल फार्मूला हमको क्या बताता है? कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का कंपोजिशन बताता है. ओके, लाइक H2O, आप इसके फार्मूला को देख के ही जान सकते हो कि इसका कंपोजिशन क्या है. क्या कंपोजिशन है इसका? कि इसमें हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम. ठीक है, सो किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला को देख के आप उस सब्सटेंस का, उस मॉलिक्यूल का कंपोजिशन बता दे सकते हैं. लाइक अगर मैंने कहा CO2, तो CO2 को देख के आप बता सकते हो कि इसका कंपोजिशन क्या है. इसमें कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम है. अगर मैं बोलूँ ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है? C6H12O6. ठीक है, दिस इज द ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज जो है उसका फार्मूला है C6H12O6. आप इसका फार्मूला देख के बता सकते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या होगा. इसके कंपोजिशन में क्या होगा कि कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम आपस में कंबाइन हुए हैं और क्या बनाए हैं? ग्लूकोज बनाए हैं. सो केमिकल फार्मूला से हमको किसी भी मॉलिक्यूल का कंपोजिशन पता चलता है. ठीक है, केमिकल फार्मूला को ही हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बोलते हैं. सो इज़ दिस क्लियर टू यू कि केमिकल फार्मूला क्या है? और उसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. ठीक है, वाटर का एग्जाम्पल के साथ मैंने उसको यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो. ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है आपके लिए. वॉट डू द फॉलोइंग एब्रीविएशन स्टैंड फॉर? इन सब का क्या मतलब है? सिर्फ O लिखा है तो क्या मतलब है?
टू ओ लिखा है तो क्या मतलब है, और ओ टू लिखा है तो क्या मतलब है, ठीक है, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। आपको लग रहा होगा कि सेम है बट बोथ आर डिफरेंट। थ्री ओ टू इज अगेन थोड़ा सा अलग है इसका मीनिंग। तो चलो देखते हैं, सिर्फ ओ है, सिर्फ ओ है मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन एटम को, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन ऑक्सीजन एटम, वन ऑक्सीजन एटम। इसके सामने कुछ नहीं है, ना इधर कुछ नहीं है, मतलब ये ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम। टू ओ का मतलब है टू ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया ओ टू, अब ओ टू का मतलब होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। सिर्फ ओ है तो वो एटम है, पर अगर O2 आ गया, O2 मतलब दो ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। सो O2 इज द फॉर्मूला फॉर ऑक्सीजन गैस, जो आप बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, O2 इज ऑक्सीजन गैस, और सिर्फ O मतलब ऑक्सीजन एटम, ठीक है। थ्री O2, तो O2 मतलब होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और थ्री मतलब थ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पर ऑक्सीजन के, थ्री, सो थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो कैसे लिखेंगे, थ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, तीन। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जहाँ भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आया ना, आपको O2 लिखना है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोलते हैं तो N2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स H2, पर अगर हाइड्रोजन एटम बोलते हैं तो H, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम तो O, नाइट्रोजन एटम तो N, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन N2O2 और NO, ठीक है। एंड वैसे ही अगर और देखें, N मतलब होता है वन नाइट्रोजन एटम, बट अगर मैं N2 बोलती हूँ तो क्या हो गया, वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। सो ये बेसिक डिफरेंस जो है बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, आखिरी तक वो दे फाइंड, दे स्ट्रगल अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये आप लोगों को आना चाहिए कि डिफरेंस क्या, एन और एन टू बोलते हैं तो डिफरेंस है, एन मतलब होता है नाइट्रोजन एटम और एन टू मतलब होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ओ टू मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ओ बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन एटम। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एंड टू, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। सो इसको याद रखना ज़रूरी है, है एग्जैक्टली यही नहीं आएगा, मैं हो सकता है हाइड्रोजन दे दूँ, हो सकता है मैं क्लोरीन दे दूँ, कि सी और सी एल और सी एल टू में क्या डिफरेंस है दे दूँ, सी एल और सी एल टू में क्या डिफरेंस, तो सी एल क्या है, एटम है, सी एल टू क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्लोरीन एटम और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल, सो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि एटम कौन सा है, दिस इज़ दी एटम का सिंबल एंड ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। सो एटम्स के सिंबल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे हर एक मॉलिक्यूल का एक फॉर्मूला होता है, सी एल टू ओ टू एन टू, ये सब फॉर्मूला है, एच टू ओ सी ओ टू, तो ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं, केमिकल फॉर्मूला होते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर हुआ? सो ये हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला के बारे में और कुछ रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अगला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अगला जो टॉपिक है समझ नहीं आया, तो नाइन्थ का आगे का न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा जो हम करने वाले हैं मोल्स के, ठीक। उसके बाद इलेवेंथ मुश्किल हो जाएगा, इलेवेंथ का चैप्टर वन जो है पूरा मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ता है उसमें भी। ट्वेल्थ का दो चैप्टर है जिसमें पूरा, ट्वेल्थ के तीन चैप्टर हैं जिसमें आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आना चाहिए, सारे क्वेश्चन उसी से ही बनेंगे, ठीक है। सो अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूल का मास क्या है, ठीक है। अभी तक हमने एटम के मास पढ़े, आप सबसे पहले ये करो, जो एटॉमिक मास वाला आपका नोट्स होगा उसको खोल लीजिए, और उसमें एक टेबल बनवाया था मैंने एटॉमिक मास का, उसको निकाल लीजिए, ठीक है। कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, ऐसा लिखा होगा, एक टेबल बना होगा, अपनी कॉपी में देखिए, उस टेबल को ओपन कर लीजिए, क्योंकि वो टेबल आपको रेफरेंस की तरह काम आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, किसी मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं।
सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, सम का मतलब समझते हैं, एस यू एम सम. ठीक है, क्योंकि एक लड़की 11th के एडमिशन के लिए आई थी, उसको बोले कि फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से 1, 2, 3, 4, ये नेचुरल नंबर है. उसके फर्स्ट 10 नंबर्स का आपको सम फाइंड करना था. उसको सम क्या होता है यही समझ में नहीं आया. तो सम का मतलब होता है एडिशन. सम मतलब क्या होता है, एडिशन. एडिशन का जो आंसर आता है उसको हम लोग सम बोलते हैं. प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का आंसर. तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो क्लास 2-3 से हम पढ़ते आ रहे हैं और 11th में भी आ जाते हैं और हमको ये बात पता नहीं रहती है. तो सम का मतलब होता है एडिशन. ठीक है, सो सम ऑफ द एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मासेस का क्या है, सम है. कौन से एटॉमिक मासेस का, ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस. उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास. एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल, हम फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. लिख लो, हमको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप स्टेप लिखेंगे, जितने भी एटम है उसका एटॉमिक मास लिख लो. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिख लो और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, देखो अपने टेबल पे, आप टेबल को रिफर करो, क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है. हाइड्रोजन का होता है 1U और ऑक्सीजन का होता है 16U. ये लिखा है आपके टेबल पे, 1U एंड 16U. अब हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. सो ध्यान से देखोगे क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हमको निकालना है. ठीक है, H2O इज वाटर, H2O. हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक. सो हाइड्रोजन के दो एटम है, मतलब 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1. ठीक है, उसके बाद हम सम करना है, हमको क्या करना है, सम. तो ये हुआ H2 के लिए, और O के लिए क्या हुआ, O का मास कितना है, 16. तो कितना हुआ, 2 + 16 = 18U. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. क्या किया हमने, एक बार फिर से देख लो अच्छे से, हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखा 1U. उस टेबल को रिफ़र करो, आपको जो अपनी कॉपी में जो आपने एटॉमिक मास का टेबल बनाया है, खोल लिए हैं सब एटॉमिक मास वाला टेबल, अब उसको रिफ़र करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, उस टेबल को खोलिए और रिफ़र करते हुए इसको देखिए. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U. इज इट क्लियर टू एवरीवन, इतना समझ में आ गया. ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, वाटर का एटॉमिक मास. तो आप देखोगे वाटर में दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1U है, 1U है. हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है, तो इसलिए हम उसको क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए. और ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, तो मैंने 16 लिख दिया. इसको पूरा सॉल्व किया तो क्या आया, 18U. ठीक, ये पहला एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2. क्या है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, पहले इसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट है ना उनका एटॉमिक मास लिख लो. क्या क्या एटम प्रेजेंट है, पहला कार्बन है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, अपनी कॉपी में देखो, इट इज 12U. ठीक है, अगला हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16U. ठीक है, U इज द यूनिट फॉर एटॉमिक मास. अब हमको क्या निकालना है, मैं इधर लिख रही हूँ, अब अपनी कॉपी के नीचे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2. ठीक है, सो C है, इस तरीके से आप लिख लिया करो, C + O2. कुछ बच्चों को क्योंकि समझने में बड़ी दिक्कत होती है, अभी 4 साल से पढ़ा आ रहे हैं, 9 तो समझ में आता है,
कि 20% ऐसे बच्चे हैं जिनको आखिरी तक ना यही निकालते सिखाते हैं कि किस तरीके से मॉलिकुलर मास निकालना है, समझ ही नहीं आता। तो उसके लिए सिंपल तरीका बता रही हूँ मैं, यहाँ सी लिख लो और ओ टू लिख लो, ठीक है। कार्बन का मास इसके नीचे लिख लूँ। अब आप देखो ओ टू है, हमको एक एटॉमिक मास पता है, ऑक्सीजन अगर एक है तो उसका मास होता है 16, टू है तो कितना हो जाएगा 16 इंटू यू, तो उसको करो 44, एक जैसा दिख रहा है अलग से लिख देते हैं 44U। तो ये हमारा आ गया एटॉमिक मास ऑफ CO2 44U, सॉरी मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 इज 44U। सो क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं मॉलिकुलर मास। अगर वो आपको सोचो, अगर वो पूरा टेबल आपको याद है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, और वो याद होना भी चाहिए। 20 तक के जितने भी एलिमेंट हैं ना, वो पूरा उसका एटॉमिक मास नंबर्स वो सब याद करवाएंगे अभी आपको, टेंशन मत लो। चैप्टर 4 जो है हमारा पूरा वही है, तो उसको पढ़ना ही है अभी हमको। खैर अभी जितना आपको वो जो टेबल है ना, उस टेबल को पूरा लर्न कर लो, एकदम रट्टा मार लो। अगर आप सही में मैथ्स या बायो 11th क्लास में लेना चाहते हो ना, तो जस्ट जितना मैं बोल रही हूँ आप उतना फॉलो करते जाएंगे, आपको 11th 12th बहुत ईजी पड़ेगा, कोई टफ नहीं जाएगा। अगर आप जितना इंस्ट्रक्शन आपको दे रहे हैं आप उसको एग्जैक्टली फॉलो करते हैं, आप एग्जैक्टली सब सारे लेक्चर सुनते हैं, तो आपको 11th 12th में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो समझ में आया, मॉलिकुलर मास ऑफ CO2, मॉलिकुलर मास ऑफ H2O, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी उस मॉलिक्यूल्स में एटम हैं उनके एटॉमिक मासेस लिख लेंगे, वो हमको याद होना चाहिए, ठीक है। आपको वो टेबल गिवन है, उस टेबल को पहले याद करेंगे और फिर उसके बाद उस फॉर्मूला के हिसाब से हम मास निकालेंगे। तो ये वाटर का हो गया, CO2 का हो गया, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक दो और एग्जांपल देती हूँ। N2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 निकालना है, N2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सो एटॉमिक मास ऑफ N कितना होता है, अपनी कॉपी में देखिए 14U, ठीक है, कितना होता है 14U होता है। सो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एटम है तो उसका एटॉमिक मास है 14U। हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, ठीक है। N2 में कितने हैं, दो है, N2 बोल रहे हैं तो कितने हैं, दो, दो नाइट्रोजन है, 2 × 14 तो कितना हो गया 28U, ये हमारा आंसर। इट इज़ नॉट वेरी टफ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है ये, है ना। कुछ है क्या, दिमाग लगाना पड़ेगा कि रॉकेट कैसे उड़ाएंगे, क्या प्रोपेलेंट यूज़ करना है, कैसे करना, कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपल वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, एटॉमिक मास याद होना चाहिए, बस फॉर्मूला में वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ओके। नेक्स्ट हम लोग एक और थोड़ा डिफिकल्ट सा मैं ले लेती हूँ, ये तो बहुत ईजी हो गया, ये था थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, किसका निकालेंगे हम, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, C6H12O6। अगर मैं एग्ज़ाम में सिंपल लिख देती हूँ कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज निकालो, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्योंकि जब तक आपको केमिकल फॉर्मूला याद नहीं होगा, आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास किससे निकलता है, उसके फॉर्मूला से, है ना। आप देख रहे हो फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप क्या मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और मॉलिक्यूलर जो एटॉमिक मासेस हैं वो भी याद होने चाहिए। सो इतना क्लियर हो गया। अब चलो हम लोग जितने भी उसके एटम प्रेजेंट है ना, उसका एटॉमिक मास लिख लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12U, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16U, ठीक। टेबल देख लिया, टेबल से टैली कर लो सही है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं हुआ। अब हमको निकालना है मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6। इसको ऐसा ये होता नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको आपको फॉर्मूला निकालना इजी हो। C6 मतलब कार्बन के 6 एटम्स हैं, तो क्या करेंगे,
12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन के 12 एटम है, तो 12 इंटू क्या करेंगे, 1। क्यों 1 कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U है। कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता ये 1 कहाँ से आया मैडम, 1 क्या आया है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। अब ये देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 6, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से। तो इसको करो, ठीक। तो ये हो गया 16, 12 सिक्स 72, 12 वन ज़ 12, 16 सिक्स 96। इसको ऐड करो, 6 प्लस 2 प्लस 2 10 हो गया, 7 प्लस 1 8 9 और 9 18, 180U। सो दिस इज़ दी आंसर कि ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास कितना होता है, 180U। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मॉलिकुलर मास निकालते हैं, ठीक है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, इसके मॉलिक्यूलर मास जो है आप खुद से निकालेंगे, ठीक। इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्वेश्चन देती हूँ, ठीक। ये दोनों आपका होमवर्क है, इन दोनों ही मॉलिक्यूल के आपको निकालना है। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक, इनके नाम भी याद होने चाहिए आपको। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज दी किंग ऑफ द एसिड, किंग ऑफ द केमिकल भी बोलते हैं H2SO4 को। और ये है नाइट्रस एसिड, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस एसिड। सो इन दोनों के आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं, ओके। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना, ये होमवर्क है, कर लेना, और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।